गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। बच्चों हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ड्राइव की थी, फिर उसके बाद हाफ लाइफ टाइम की एक्सप्रेशन भी ड्राइव की थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ ग्राफ बनाने वाले हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, आज हम ये करने वाले हैं। अब सुनो जरा तुम ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले मैं तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो भी हमने डेरिवेशन या जो भी हमने उसके बारे में पढ़ा था वो कुछ फॉर्मूला लिख देता हूं। बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहली बात हमने ये पढ़ी थी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होगा के इंटू ए की पावर वन के बराबर होगा। ए क्या है, यहां कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। ठीक है बच्चों, दूसरा हमने ये पढ़ा कि केटी बराबर होगा 2.303 लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केटी बराबर 2.303 लोग ए नोट अपॉन एटी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ए नोट कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो, एटी कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ये हमने पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में। अच्छा बच्चों, टी हाफ जो आया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जो टी हाफ आया था वो आया था 0.693 अपॉन के। बच्चों ये हम पढ़ चुके अपने लास्ट लेक्चर में, हमने इनको ड्राइव किया था। ठीक है, आज हम कुछ ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। पहला जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं बच्चों, वो प्लॉट कर रहे हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ठीक है, या मैं ये भी कह सकता हूं रेट वर्सेस एटी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी एटी, या और ये भी कह सकता हूं ए माइनस एक्स के वर्सेस प्लॉट कर रहा हूं मैं ग्राफ। ठीक है, चलो अब सुनो जरा ध्यान से, यहां क्या कहानी है। ये हमारा रेट है और ये हमारा एटी है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। सही है बच्चों, अब हम जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ना, उसका हमने पढ़ा था डीएक्स अपॉन डीटी बराबर के इंटू ए माइनस एक्स, पढ़ा था जब डेरिवेशन किया था, यही किया था हमने। या मैं ये भी कह सकता हूं डीएक्स अपॉन डीटी इज इक्वल्स टू के इंटू ए और ये टी। हमें ग्राफ जो प्लॉट करना है डीएक्स अपॉन डीटी क्या है, यही तो है रेट, रेट और इस AT के वर्सेस हमें ग्राफ प्लॉट करना है, कंसंट्रेशन एट टाइम T के वर्सेस हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो बच्चों रेट हमने लिया हुआ है Y एक्सिस के ऊपर, तो इसको Y मान लिया। AT हमने लिया हुआ है A, बच्चों ये T जो है A के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये T केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कंसंट्रेशन T टाइम के ऊपर है। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, ये जो AT है ये X एक्सिस पे है, तो इसको X मान लो, X के साथ जो होता है वो M होता है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहां c की वैल्यू कितनी है जीरो, तो हमारी स्ट्रेट लाइन यहां से स्टार्ट होगी और ऊपर की तरफ जाएगी, और उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो किसके बराबर है, m के बराबर। m की वैल्यू क्या है यहां के, बड़ा देखो सुंदर सा ग्राफ बना है हमारे सामने बच्चों, इस तरीके से हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं। अब अगला जो ग्राफ मैं प्लॉट करा रहा हूं तुम्हारे लिए, वो देखो क्या प्लॉट कर रहे हैं हम। अगला ग्राफ हमें प्लॉट करना है लोग a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस t के बीच, हमें ग्राफ प्लॉट करना है लोग a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस t के बीच, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। बच्चों ये y एक्सिस पे लेना है, ये x एक्सिस पे लेना है, मतलब कि हमें ग्राफ प्लॉट करना है कुछ ऐसे। बच्चों ये हो गया लोग a अपॉन a माइनस एक्स और ये इधर हमने लिया हुआ है t। अब देखो कैसे मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, इक्वेशन मैं जानता हूं क्या है, इक्वेशन KT इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग a अपॉन a माइनस x। सही बात है बच्चों, मैं इस 2.303
303 को इधर भेज रहा हूं, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, उधर क्या बच जाएगा, लोग ए अपोन ए माइनस एक्स, तो ये बच गया केवल लोग ए अपोन ए माइनस एक्स बराबर क्या बचा बच्चों, के टी अपोन 2.303। सही बात है। अब हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है उसमें वाई एक्सिस पे कौन है, लोग ए अपोन ए माइनस एक्स, ये किस पे है, वाई एक्सिस पे है, ठीक है। टी किस पे है, एक्स एक्सिस पे, टी किस पे है, एक्स एक्सिस पे, जो बच गया वो कौन होगा, एम होगा। सी की वैल्यू, इंटरसेप्ट की वैल्यू यहां भी जीरो है, तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो बिल्कुल यहां जीरो से स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। बच्चों स्लोप क्या आया, स्लोप बराबर आ गया के अपॉन 2.303। सही है यहां तक की बात। चलो अब आगे चलते हैं, देखो इसके बाद हमारे पास क्या आता है बच्चों, ये वाला ग्राफ इस तरीके से भी पूछ सकता है वो कि भाई ग्राफ प्लॉट करो लोग ए नोट अपॉन ए टी वर्सेस टी के। इस ए को वो ए नोट से रिप्रेजेंट कर सकता है, ए माइनस एक्स को वो ए टी से रिप्रेजेंट कर सकता है। बच्चों अगर वो ए को ए नोट से रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस एक्स को ए टी से रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, यही होता है। वो ग्राफ भी बिल्कुल एज इट इज ही आएगा। स्लोप क्या आएगा उसका भी, स्लोप बराबर के अपॉन 2.303। सही बात है। ये हमारा थर्ड ग्राफ है। जो तीसरा ग्राफ है वो क्या है, लोग ए नोट अपॉन ए टी वर्सेस टी के बीच, ठीक है। अब जो फोर्थ ग्राफ है ना बच्चों, बड़े काम का ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। ये जो फोर्थ ग्राफ है ये है लोग ए टी वर्सेस टी के बीच ग्राफ है, ठीक है। हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों, वो हमें प्लॉट करना है, हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो प्लॉट करना है लोग ए टी, ए टी या मैं ये भी कह सकता हूं लोग ए माइनस एक्स, ठीक है। ए टी का मतलब क्या होता है, ए टी का मतलब ए माइनस एक्स ही होता है, वर्सेस टी के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। अब सबसे पहला काम हमें पता है क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें ये जो भी इक्वेशन है इसकी, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को इस तरीके से डिजाइन करो कि ये y equals to mx plus c वाली कैटेगरी में आ जाए। तो बच्चों इक्वेशन हमारे पास है kt बराबर 2.303 log a नोट अपॉन at, अरे है कि नहीं है। और यहीं से हमने बनाया था कि log a नोट अपॉन at बराबर kt अपॉन 2.303। सही बात है। अब सुनो जरा, ये फॉर्मूला है लोग m अपॉन n का, इसको ओपन कर लिया, लोग a नोट माइनस लोग a t इज इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। अब मैं देखो कर क्या रहा हूं, ध्यान से समझना, लोग a t को उधर लेके जा रहा हूं, माइनस का उधर जाने पे प्लस का हो जाएगा, और ये वाला इधर लेके आ रहा हूं, प्लस का है इधर आने पे माइनस का हो जाएगा। बच्चों ये माइनस लोग a t जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, लोग a t बन जाएगा, लोग a t बराबर क्या आएगा, इसको मैं इधर ला रहा हूं तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, लोग a नोट और माइनस के टी अपॉन 2.303। अब बच्चों मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं बड़े आराम से, लोग a टू y एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे ले लिया y की तरफ, t x एक्सिस पे है, t हो गया हमारा x, t के साथ जो होगा, t के साथ क्या है, t के साथ ये है, ये m की वैल्यू होगी, जो बच गया वो क्या होगा, c, c क्या होता है, इंटरसेप्ट। सही है यहां तक की बात। बच्चों यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी वो क्या सीखी, कि स्लोप नेगेटिव है, स्लोप के आगे देखो, स्लोप m क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव लगा हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन, अगर स्लोप नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन, और ये यहां से लेके यहां तक ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है। इंटरसेप्ट कितना है, लोग ए नोट, और बच्चों स्लोप कितना है, स्लोप बराबर माइनस के अपॉन 2.303। ये हमारा स्लोप है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। ये वाला ही ग्राफ वो इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, ये वाला ग्राफ वो कैसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, एटी की जगह वो रख सकता है ए माइनस एक्स, एटी की जगह ए माइनस एक्स रख सकता है, लोग ए माइनस एक्स वर्सेज टी के बीच वो ग्राफ प्लॉट करा सकता है। तो बच्चों बड़े आराम से प्लॉट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऐसा कैसा, लोग ए माइनस एक्स और वर्सेस टी, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा,
और स्लोप क्या होगा, स्लोप वही माइनस के अपॉन 2.303। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बच्चों अब आगे समझो, तुम जरा काम की जो बातें हैं वो आगे समझना। अगला जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। बच्चों एक बात बताओ, ये लॉग के आगे मैंने 2.303 लगाया था, अगर तुम्हें याद हो ये कब लगाया था, जब मैंने नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में बदला था, ln को लॉग में बदला था, तब ये 2.303 लगाया था। अगर मैं इस 2.303 को हटा देता हूं, देखो बच्चों इस 2.303 लॉग की जगह मैं ln लिख सकता हूं, 2.303 लॉग की जगह मैं ln लिख सकता हूं, यानी कि अभी जो मैं इक्वेशन बना रहा हूं एक और, वो ये बना रहा हूं kt इज इक्वल्स टू ln a अपॉन a माइनस x, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है बच्चों, अब हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है ना, हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है नंबर 6 जो ग्राफ प्लॉट करना है वो है ln a अपॉन a माइनस x वर्सेस t के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है बच्चों, अब सुनो जरा ध्यान से, कैसे प्लॉट करेंगे हम ये वाला ग्राफ। यहां ले लिया मैंने ln a अपॉन a माइनस x और इधर ले लिया मैंने t। देखो बच्चों इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं, ln a अपॉन a माइनस x इज इक्वल्स टू kt। ये पूरा क्या हो गया, y हो गया, ये क्या हो गया, x हो गया, ये क्या हो गया, m हो गया। c की वैल्यू कितनी है, जीरो, स्लोप पॉजिटिव है, नीचे से स्टार्ट होगा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, स्लोप क्या आया, स्लोप इज इक्वल्स टू k। सही बात है। अच्छा बच्चों ये वाला ही ग्राफ वो एक दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है देखो जरा ध्यान से, वो हमें प्लॉट करा सकता है ग्राफ ln a माइनस एक्स वर्सेस t के बीच में। अगर ये ग्राफ प्लॉट कराता है तो बच्चों हम कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये वाला ln a माइनस एक्स वर्सेस t के बीच में। अब हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी अपनी तरफ से, देखो बनाते हैं, हमें पता है इक्वेशन है ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू kt। इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करेंगे तो लॉग का फॉर्मूला है लॉग m बाय n, लॉग m माइनस n हो जाएगा, ln a माइनस ln a माइनस x इज इक्वल्स टू kt। ठीक है बच्चों, kt को मैं इधर लेके आ रहा हूं, ln a माइनस x को उधर लेके जा रहा हूं, अगर इसको उधर ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ln a माइनस x, बराबर क्या आएगा बच्चों ln a माइनस kt। ग्राफ प्लॉट करना है, ये y एक्सिस है, t क्या है, t x एक्सिस है, t के साथ क्या है माइनस के, ये क्या हो गया m हो गया, ये क्या है c, स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा नीचे की तरफ आएगा, स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप बराबर माइनस के। सही बात है बच्चों। एक लास्ट ग्राफ हो रहा है बच्चों यहां जो समझने लायक है वो है नंबर 8 ग्राफ। नंबर 8 ग्राफ जो है बच्चों वो है T1/2 वर्सेस ए नोट के बीच में। ए नोट है इनिशियल कंसंट्रेशन। बच्चों बड़ा आसान सा ग्राफ है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये ले लिया मैंने टी हाफ, ये ले लिया मैंने ए नोट। अब हम जानते हैं टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ ये होता है, सीधा सीधा नजर आ रहा है टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल कंसंट्रेशन की चाहे कोई भी वैल्यू हो टी हाफ कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये अभी मैंने जितने भी ग्राफ तुम्हारे बनवाए हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ बनवाए हैं बच्चों, सारे ग्राफ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर ग्राफ को आपने अच्छे से समझना है, अगर कोई डाउट आता है तो मुझे बताना है। ठीक है बच्चों, साफ कर देता हूं मैं इसको।
देखो बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज। बच्चों ये बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बनता यहां से न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन नहीं आएगा, यहां से न्यूमेरिकल बनने के चांस होते हैं, बहुत ज्यादा चांस होते हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में तो लगभग अल्टरनेट ईयर्स में यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को गैसियस फेज में पढ़ना है, मतलब कि जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैसियस फेज में हो तो उस टाइम हमारे पास कंसंट्रेशन नहीं होगी रिएक्टेंट की। देखो बच्चों, जो कंसंट्रेशन है वो किसी सॉल्यूशन की, किसी लिक्विड की मेजर होती है, लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैस है तो कंसंट्रेशन मेजर नहीं होती, उस टाइम पे हम मेजर करते हैं प्रेशर। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज को समझने की कोशिश करते हैं हम। देखना जरा, हमने कंसिडर कर लिया, लेट अस कंसिडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन गैसियस फेज, और वो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो गैसियस फेज में हो रही है वो मैंने अपनी तरफ से मानी हुई है, ए गैस कन्वर्ट हो रहा है बी गैस में और सी गैस में। ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूं ए हमारे पास कोई एक गैस थी वो डिकम्पोज हो गई, टूट गई बी और सी में। ठीक है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, हमने अपनी तरफ से मान लिया, हाइपोथेटिकली बनावटी तौर पे हमने मान लिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, अब जब टाइम था जीरो तो यहां प्रेशर था पी नोट, ए का प्रेशर कितना था पी नोट, और पी नोट का मतलब है प्रेशर एट टाइम जीरो। सही बात है, इन दोनों का प्रेशर शुरुआत में जीरो, जब टाइम जीरो था तो इनका प्रेशर जीरो होगा। कुछ समय बाद एट टाइम टी, एट टाइम टी इसमें से कुछ गैस कम हुई, गैस कम होने का मतलब प्रेशर कम हुआ, मान लिया मैंने पी प्रेशर कम हुआ, अगर पी प्रेशर कम हुआ तो ये भी पी बना और ये भी पी बना, और बच्चों पी नोट माइनस पी क्या बोला जाएगा, प्रेशर एट टाइम टी ऑफ ए। जैसे वो नहीं बोलते थे हम इसको ए से डिनोट करते थे पहले, ये ए माइनस एक्स होता था, ए को लिख देते थे ए नोट और ए माइनस एक्स को लिख देते थे ए टी, लेकिन अब कंसंट्रेशन नहीं है, अब प्रेशर है, तो बच्चों इसको मैं पी टी से भी डिनोट कर सकता हूं। पी टी क्या है, प्रेशर, प्रेशर एट टाइम टी, टाइम टी, टी टाइम पे प्रेशर। सही बात है यहां तक, अब सुनो जरा ध्यान से, अगली जो बात है बड़े काम की है बच्चों, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट टाइम टी। बच्चों इस पूरी रिएक्शन का, पूरी रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस हैं हमारे पास उनका प्रेशर टी टाइम पे, देखो ये जो पी टी है ये तो केवल ए का प्रेशर है टी टाइम पे, मैं ये पूछ रहा हूं पूरी रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस है टी टाइम पे उन सब के प्रेशर का सम किसके बराबर होगा, तो मैं उसको डिनोट कर रहा हूं पी कैपिटल टी से। कैपिटल टी का मतलब सबका ओवरऑल टोटल प्रेशर। बच्चों टी टाइम पे ए का प्रेशर है पी नोट माइनस पी, टी टाइम पे बी का प्रेशर है पी, सी का प्रेशर है बी, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा पी नोट माइनस पी प्लस पी और प्लस पी, पी नोट माइनस पी प्लस पी और ये प्लस पी। देखो पी से पी कैंसिल हो गया, तो बताना जरा बच्चों पी टी किसके बराबर आया, पी टी बराबर पी नोट और प्लस में पी। सही बात है बच्चों, यहां से मैं इस पी की वैल्यू निकाल लेता हूं, पी बराबर देखो क्या आ गया, पी टोटल माइनस पी नोट।
अरे आ गया कि नहीं आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई। अब बच्चों हम एक बात जानते हैं, ये पीटी जो होता है, समझना बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, ये जो कैपिटल टी है ये किसको डिनोट कर रहा है, जितने भी यहां सब्सटेंस है सबका टोटल प्रेशर, और ये जो स्मॉल टी वाला पीटी है ये किसको डिनोट कर रहा है, प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी। अब ये पीटी किसके बराबर होता है, पी नोट माइनस पी। अब पीटी देखो किसके बराबर होगा, पीटी बराबर पी नोट माइनस पी की वैल्यू ये है ना, क्या पी टोटल माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बताना जरा बच्चों पीटी किसके बराबर आया, पीटी बराबर आया टू पी नोट और माइनस में पी टोटल, ये हमारे पास आ गया पीटी। आया कि नहीं आया बच्चों? अब समझना आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि देखो हम एक बात जानते हैं, एज वी नो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टी इज इक्वल्स टू 2.303 लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये पढ़ते थे हम। यहां ये ए क्या था, ये वाला ए, ये वाला ए था इनिशियल कंसंट्रेशन, जो शुरुआत में कंसंट्रेशन होती है वो है। अच्छा ये ए माइनस एक्स क्या था, ये था कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ये देखो ये ए इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन एट टाइम टी। अभी जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें तो हम प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो KT बराबर 2.303 लोग, यहां हमें ऊपर देखना है प्रेशर इनिशियल वाला, इनिशियल प्रेशर क्या था, या मैं ये कह सकता हूं प्रेशर एट टाइम जीरो कितना था। तो प्रेशर एट टाइम जीरो या इनिशियल प्रेशर कितना है, पी नोट, तो बच्चों ऊपर आएगा पी नोट डिवाइड बाय आएगा प्रेशर एट टाइम टी। एट टाइम टी प्रेशर कितना है, पीटी, और पीटी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, टू पी नोट माइनस पीटी, तो मैं लिख भी सकता हूं डिवाइड बाय पीटी, तो ये आ गया बच्चों के टी इज इक्वल्स टू 2.303 लोग पी नोट, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या आया, डिवाइड बाय आया बच्चों हमारे पास टू पी नोट माइनस पी टोटल। ये आ गया बच्चों इस रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? तो बच्चों अगर कभी भी गैसियस फेज में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी जाएगी तो हमें सबसे पहले एक्सप्रेशन ड्राइव करनी पड़ेगी। अब पता क्या होगा, हमें कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन देगा, ठीक है, उस रिएक्शन में हमें पी नोट दे देगा, इनिशियल प्रेशर दे देगा, हमें टाइम दे देगा, टी दे देगा, हमें पी टोटल भी दे देगा, पी नोट दे दिया, पी टोटल दे दिया, टाइम दे दिया, के की वैल्यू निकलवाएगा वो हमारे से। बच्चों बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है उसमें। अब मैं दो है ना छोटे छोटे न्यूमेरिकल समझाता हूं तुम्हें, और अच्छे से समझना है तुमने उनको। बच्चों बोर्ड एग्जाम में अभी जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं बिल्कुल इसी तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, गैसियस फेज की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेट करते हुए अभी समझेंगे हम। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड फॉलोइंग डाटा इज गिवन। सल्फ्यूराइल क्लोराइड बच्चों होती है SO2Cl2, ठीक है। डाटा क्या दिया है, यहां लिखा हुआ है सीरियल नंबर, यहां लिखा हुआ है टाइम, और यहां लिखा हुआ है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर देखो सीरियल नंबर 0 और ये 1, टाइम 0 सेकेंड, टाइम 100 सेकेंड, टोटल प्रेशर 0.5 एटीएम,
और 100 सेकेंड पे 0.6 एटीएम। ठीक है बच्चों, ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड का। ठीक है बच्चों, ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है। हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है डेटरमाइन रेट कांस्टेंट। हमें रेट कांस्टेंट पता करना है। अभी अभी मैं तुम्हें समझा रहा था कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकलवाएगा जब भी फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज में न्यूमेरिकल पूछेगा, तो मेनली तुम्हें के की वैल्यू निकलवाएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकलवाएगा। लेकिन हमें न्यूमेरिकल सोल्व कैसे करना है बच्चों? सबसे बड़ी बात जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैसियस फेज की, हमें हर बार फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। ये नहीं है कि फॉर्मूला फिक्स है, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जब वहां पढ़ रहे थे तो फॉर्मूला फिक्स था, के टी बराबर 2.303 लोग ए अपोन ए माइनस एक्स, फिक्स फॉर्मूला है। लेकिन यहां फॉर्मूला फिक्स नहीं होगा, यहां तुम्हें हर बार फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। चलो बच्चों देखो कैसे ड्राइव करेंगे हम फॉर्मूला को, आंसर देखते हैं इसका कैसे करेंगे हम। बच्चों ये होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2, एक गैस होती है। जब उसका डिकम्पोजिशन होता है, जब गर्म करते हैं, तो वो टूटता है SO2 में और Cl2 में, इन दो गैस में टूटता है। अब देखो कहानी मैं शुरू करता हूं वैसे ही एट टाइम जीरो, जीरो टाइम पे इसका प्रेशर P0 था, ये दोनों जीरो और ये जीरो, सही बात है। अच्छा एट टाइम टी की बात करूं तो इसमें से कुछ कम हुआ, ये P बना और ये भी कितना बना, P बना, सही बात है। और P नोट माइनस P को मैं डिनोट कर सकता हूं PT से, सही है यहां तक। तो अब अगली बात टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर एट टाइम टी, टी टाइम पे पूरी रिएक्शन का टोटल प्रेशर कितना होगा, जिसको मैं कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूं। तो बच्चों ऐड कर दूंगा पी नोट माइनस पी और ये प्लस पी और ये प्लस पी, पी से पी कैंसिल हो गया तो ये आ गया पी नोट प्लस पी, ये पी टोटल के बराबर, सही है। यहां से मैंने इस पी की वैल्यू निकाली, पी बराबर आ गया पी टोटल माइनस पी नोट, आया कि नहीं आया। अब मैंने क्या किया, इस पी की वैल्यू को मैं यहां पुट कर रहा हूं, मुझे पीटी की वैल्यू निकालनी है। पीटी बराबर क्या आ गया, पी नोट माइनस पी, माइनस पी का मतलब पी टोटल माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो पीटी बराबर आ गया बच्चों 2P नोट माइनस पी टोटल। हालांकि तुम कहोगे सर अभी जो समझाया था वैसा ही फॉर्मूला बन गया, बच्चों ये जरूरी नहीं है सभी में ये फॉर्मूला बने, कोई ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें अलग बनेगा, मैं एक और न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें अलग फॉर्मूला बनेगा। चलो बच्चों अब देखो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बनाते हैं, के टी बराबर 2.303 लोग ए अपोन ए माइनस एक्स होता है, ए क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स क्या होता है कंसंट्रेशन एट टाइम टी। अब तो हमारे पास प्रेशर है, तो ऊपर होगा इनिशियल प्रेशर पी नोट, नीचे होगा प्रेशर एट टाइम टी यानी कि पीटी, और पीटी की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों 2P नोट माइनस पी टोटल, सही है। मुझे के निकालना है तो के बराबर आ जाएगा बच्चों 2.303 लोग पी नोट माइनस 2P नोट माइनस पी टोटल और ये डिवाइड बाय TT आ गया नीचे, सही है। अब तुम एक बात समझो, देखो जब टाइम था 0 सेकेंड उस टाइम टोटल प्रेशर था 0.5 एटीएम। देखो बच्चों जीरो टाइम पे ना तो ये होता है ना ये होता है, केवल और केवल ये होता है SO2Cl2 का प्रेशर पी नोट। इसका मतलब ये जो 0.5 दिया हुआ है ना, ये पी नोट की वैल्यू दी हुई है, पी नोट बराबर 0.5 एटीएम, सही बात है। अच्छा जब टाइम था 100 सेकेंड, जब टाइम था 100 सेकेंड, 100 सेकेंड टाइम के ऊपर टोटल प्रेशर होता है पीटी, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, ये पीटी दिया हुआ है बच्चों पी कैपिटल टी, ये मत समझना छोटे वाला टी दिया हुआ, छोटे वाला टी तो केवल इसका प्रेशर होता है टी टाइम पे, ठीक है। और पी कैपिटल टी क्या है, पूरे रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर एट टाइम टी। चलो बच्चों पी टोटल किसके बराबर दिया हुआ है 0.6 एटीएम। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई है, ये तीनों को पुट करते हैं वहां पे,
बताना जरा के बराबर क्या है, के बराबर 2.303 डिवाइड बाय टी 100 आ गया, और ये लॉग पी नोट कितना 0.5 डिवाइड बाय 2 पी नोट, 2 इंटू 0.5 माइनस पी टी, पी टी की वैल्यू 0.6। सही है बच्चों, तो के बराबर आ गया 2.303 डिवाइड बाय 100 और ये लॉग 0.5 डिवाइड बाय, दो की मल्टीप्लाई की 0.5 से कितना आया 1 माइनस 0.6, तो बच्चों के बराबर आ गया 2.303 डिवाइड बाय 100 और ये लॉग 0.5 अपॉन 0.4। ठीक है बच्चों, सोल्व कर लेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो के बराबर क्या आ गया 2.303 अपॉन 100 और ये लॉग क्या आया 5/4, लॉग 5/4। इसको सोल्व कर लेंगे हम, सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं लॉग 5 माइनस लॉग 4, वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ऐसा न्यूमेरिकल बड़ा पॉपुलर है और मेनली इस सल्फ्यूराइल क्लोराइड का ही डिकम्पोजिशन आता है जब एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। वैसे अभी मैं एक और न्यूमेरिकल करा रहा हूं, उससे और समझने की कोशिश करना तुम बच्चों। चलो हटा देते हैं इसको, तुम्हारी प्रदीप की बुक में भी तुम्हें सल्फ्यूरल क्लोराइड का एक न्यूमेरिकल मिलेगा, वो करके देखना है तुमने। देखो बच्चों नेक्स्ट जो है, अगला एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, द फॉलोइंग डाटा, फॉलोइंग डाटा इज गिवन फॉर थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ N2O5। गैस होता है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, एक गैस दी हुई है, उसका डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, और हमें क्या डाटा दिया हुआ है, सीरियल नंबर, सॉरी 1-2 ले लेते हैं सीरियल नंबर, लास्ट वाले में मैंने 0-1 ले रखा था, वो कंफ्यूज मत होना, वो वैसे ही लिख दिया मैंने, सीरियल नंबर ले लिया। यहां लिख देता हूं मैं टाइम 0 सेकेंड और यहां लिख देता हूं मैं 100 सेकेंड, और यहां है बच्चों दिया हुआ है तुम्हें टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर बच्चों 0.5 एटीएम दे दिया और यहां लिख दिया 0.512 एटीएम। ठीक है, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला नहीं लगता, सबके फॉर्मूला हमें ड्राइव करने पड़ेंगे। निकालना क्या है, डिटरमाइन रेट कांस्टेंट, हमें रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करना है। देखो बच्चों अब हमें निकालना है इसका रेट कांस्टेंट, कैसे निकालेंगे रेट कांस्टेंट, सबसे पहले हम इसके लिए रिएक्शन लिखेंगे कि जब N2O5 का थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, जब ये टूटेगा तो किस किस में टूटता है बच्चों, ये टूटता है N2O4 और हाफ O2 में। ठीक है, ये इन दोनों में टूटता है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है बच्चों, ये फ्रैक्शन में है इक्वेशन, मैं फ्रैक्शन अगर हटाना चाहता हूं तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 2 यहां पे भी 2 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सुनो देखो ध्यान से, एट टाइम 0, 0 टाइम पे इसका प्रेशर पी नोट था, तो ये दोनों कितने होंगे 0 0, सही बात है। अच्छा एट टाइम टी, टी टाइम के ऊपर क्या होगा, एट टाइम टी, टी टाइम पे क्या हुआ, इसमें से कुछ कम हो गया, मान लिया P कम हुआ, लेकिन बच्चों P तो एक N2O5 से कम होगा, हमारे पास यहां N2O5 कितने दिए हुए, हमारे पास N2O5 दिए हुए 2,
तो बच्चों हमारे पास कम हो गया 2p। क्लियर है? अब ये कितना बनेगा, तो इसमें से पी कम हुआ है, एक N2O5 से पी कम हुआ है, दो से दो पी कम हुआ है, ये कितना बनेगा, पी बनेगा, लेकिन है कितने, ये दो, तो ये दो पी बनेगा, और ये वाला कितना बनेगा, ये एक ही है तो पी बनेगा। ठीक है बच्चों, अब सुनो जरा ध्यान से, प्रेशर, टोटल प्रेशर एट टाइम टी, टी टाइम पे टोटल प्रेशर मतलब पी कैपिटल टी, बराबर क्या होगा, पी नोट माइनस 2p, ये वाला 2p, ये प्लस ऐड हो जाएगा 2p और ये प्लस पी, देखो 2p से 2p कैंसिल हो गया, तो पी टोटल बराबर बच्चों आ गया पी नोट प्लस पी। हमें इस पी की वैल्यू निकालनी है, पी बराबर क्या आया बताना जरा, पी टोटल माइनस पी नोट, सही है, ये पी की वैल्यू आ गई। अब बच्चों सुनो, देखो ध्यान से, पी नोट माइनस 2p बराबर होता है पी टी से, टी के, स्मॉल टी के, यानी कि अब यहां से मेरे पास आ गया पी स्मॉल टी बराबर पी नोट माइनस 2p, और 2p की तो वैल्यू हम निकाल चुके, क्या है पी की वैल्यू, पी टोटल माइनस पी नोट, तो इस 2p की जगह मैं ये जो 2p है, यहां जो पी है इसकी वैल्यू ये रख रहा हूं मैं, ये अगर मैं रख दूंगा तो ये आ जाएगा ना 2p टोटल माइनस 2p नोट, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बच्चों pt बराबर आ गया 3p नोट माइनस 2p टोटल, सही बात है। तो बताना जरा बच्चों ओवरऑल हमारे पास क्या आया, बच्चों ओवरऑल हमारे पास आ गया है के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर पी नोट डिवाइड बाय प्रेशर एट टाइम टी, और टी टाइम पे जो प्रेशर आया हमारे पास कितना आया, 3p नोट माइनस 2pt। क्लियर है ना यहां तक की बात। चलो बच्चों अब देखो हमारे से दिया क्या हुआ है, उसने पी नोट की वैल्यू दी हमसे 0.5 atm, दी कि नहीं दी, उसने हमें टोटल प्रेशर दिया 100 सेकंड के ऊपर कितना, 0.512 atm दिया, कब दिया, जब टाइम कितना था 100 सेकंड, सारी वैल्यू पुट कर दो बच्चों यहां पे, के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन 100 लोग, ये आ गया, इसकी जगह रखूंगा मैं 0.5, यहां 3 × 0.5 माइनस 2 × 0.512, सही है, समझ में आ रही है बात। चलो अब सुनो जरा ध्यान से, के बराबर क्या आ गया, के बराबर आ गया 2.303 अपॉन 100, ये आ गया लॉग 0.5 डिवाइड बाय, इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो कितना आया बच्चों 1.5, माइनस इसकी इससे की तो 4 आया, 2 आया और ये आया 10, तो 1.024, सही है। चलो बच्चों के बराबर आ गया 2.303 अपॉन 100 लॉग 0.5 और ये 1.5 से ये माइनस करेंगे तो लगभग बच्चों आ जाएगा 0.476, इतना आएगा। ठीक है बच्चों, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो के बराबर लगभग आ जाएगा 4.9 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है बच्चों, इस तरीके से हम सोल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो देखो इस वाले न्यूमेरिकल में फॉर्मूला ये बना, लेकिन इससे पहले वाले में फॉर्मूला अलग बना था बच्चों। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैसियस फेज में आएगी ना, इस तरह का टेबल बेस न्यूमेरिकल आएगा, तो उसका फॉर्मूला तुम्हें हर बार बनाना पड़ेगा, और फॉर्मूला बनाना का तरीका मैंने तुम्हें सिखा दिया। मैंने तीन चीजें कराई है, तीन न्यूमेरिकल कराए हैं, तीन एग्जांपल कराए हैं तुम्हें, न्यूमेरिकल दो है, एक मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था बच्चों, तो तीनों में मैंने ड्राइव करके दिखाई है इक्वेशन बच्चों, तुम्हें बड़े आराम से तुम निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है यहां तक। अब मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल और कराता हूं, वो करा रहा हूं मैं तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन वाली, क्योंकि बच्चों अब तुम्हें न्यूमेरिकल करने हैं तुम्हारी प्रदीप की बुक में से, और वहां एक टाइप है न्यूमेरिकल की जो सबसे ज्यादा मिलते हैं, उस तरह का मैं एक न्यूमेरिकल तुम्हें कराता हूं।
जो अब मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं, ऐसे न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। समझना देखो बच्चों क्या दिया हुआ है। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 80 मिनट टू कंप्लीट 40% रिएक्शन, ठीक है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट 80% ऑफ रिएक्शन, 80% कंप्लीट करने के लिए उसको कितना समय चाहिए। अब हमें यहां पे बिल्कुल भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कभी हम इस तरह का दिमाग लगा दें कि 40% कंप्लीट होती है 80 मिनट में, तो 80% कंप्लीट होगी, दोगुना कर देंगे 160 मिनट में। बच्चों इस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होगा। अभी जब हम निकालेंगे तब देखना 160 आंसर नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो देखना कैसे सोल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले समझना जरा बात को, मैंने अपनी तरफ से मान लिया एक रिएक्टेंट बदल रहा था प्रोडक्ट के अंदर, और ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, ठीक है। और शुरुआत में इसकी कंसंट्रेशन ए थी, ये कितना, जीरो, सही बात है। अब मुझे क्या करना है, 40% कंप्लीशन। अगर रिएक्शन 40% कंप्लीट हो गई है तो मैं टाइम को मानूंगा टी 40%, और प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, प्रोडक्ट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स कितना बन जाएगा, तो मैं कहूंगा रिएक्शन 40% कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब रिएक्टेंट का 40% प्रोडक्ट में बदल जाएगा। अब रिएक्टेंट का 40% कितना होगा, इतना ही होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, तो ये आ गया हमारे पास बच्चों 0.4a, सही बात है। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब हम जानते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी बराबर होता है 2.303 अपॉन के लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अरे होता है कि नहीं होता है। अब 40% कंप्लीट करने के लिए टी की जगह टी 40% लिखूंगा, 2.303 अपॉन के लिखूंगा, लोग ए की जगह ए लिखा, ए की जगह ए लिखा, एक्स की जगह लिखा 0.4a, सही है। तो टी 40% किसके बराबर आया बच्चों, 2.303 अपॉन के, और ये लोग ए अपॉन इसमें से ये माइनस किया तो 0.6a, ए से ए कैंसिल हो गया, सही बात है बच्चों। तो बताना जरा क्या आ गया मेरे पास, मेरे पास आ गया टी 40% इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के, और ये लोग ऊपर क्या बचा, 1 बचा, उसको मैं लिख सकता हूं 10/6। अरे लिख सकता हूं ना, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख सकता हूं मैं ऐसे, 0.6 है, डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर कितना चला जाएगा 10। बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, ठीक है यहां तक की बात। अब सुनो, अब मैं पढ़ रहा हूं 480% कंप्लीशन। अगर रिएक्शन 80% कंप्लीट हो गई है तो टी बराबर होगा टी 80%, और एक्स कितना होगा, एक्स होगा ए का 80%। अगर रिएक्शन 80% कंप्लीट हो गई है तो रिएक्टेंट का 80% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों एक्स बराबर होगा ए का 80%, ऐसे निकालेंगे कितना आ जाएगा बताना जरा मुझे, 0.8a आ जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात। अब सुनो जरा, टी की जगह रखूंगा टी 80%, 2.303 अपॉन के लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स, एक्स की जगह रखूंगा 0.8a, टी 80% इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के, और ये लोग ए अपॉन 0.2a, ए में से ये जब माइनस करेंगे तो, ठीक है।
तो टी 80% इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के, और ये लोग इसको लिख दू ए से तो ए कैंसिल हो गए 10/2। अरे सही है ना, ये इक्वेशन नंबर एक थी, इसको इक्वेशन नंबर दो मान लेना, ठीक है यहां तक की बात। चलो बच्चों अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, डिवाइड इक्वेशन 1/2, इक्वेशन एक को दो से डिवाइड कर दो, टी 40% को डिवाइड कर दो टी 80% से, बराबर क्या आया बताना जरा मुझे। इसको जब इससे डिवाइड करूंगा तो देखो 2.303 से 2.303 कैंसिल, के से के कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, ऊपर बचा लॉग 10/6, नीचे क्या बचा लॉग 10/2। बच्चों लॉग से लॉग कैंसिल बिल्कुल नहीं होता है, अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो लॉग 10 माइनस लॉग 6 और ये कितना आएगा लॉग 10 माइनस लॉग 2, सही बात है। अच्छा तो ये हमारे पास आया बच्चों टी 40% डिवाइड बाय टी 80% इज इक्वल्स टू, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस, लॉग 6 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, लॉग 6 की वैल्यू होती है बच्चों लगभग 0.74, डिवाइड बाय लॉग 10 की वैल्यू 1, 1 माइनस लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, ठीक है ना यहां तक बच्चों। टी 40% डिवाइड बाय टी 80% बराबर, इसमें से इसको माइनस किया तो 0.26, ये नीचे माइनस किया तो लगभग 0.7, या मैं ये भी कह सकता हूं 0.6990, ठीक है ना बच्चों। अब सुनो जरा ध्यान से, रिएक्शन 40% कितने टाइम में पूरी होती है 80 मिनट में, यानी कि उसने हमें टी 40% की वैल्यू तो दी हुई है 80 मिनट दी हुई है ना, इस 40% की जगह रख दो 80 मिनट, 80/t 80% बराबर 0.26 डिवाइड बाय 0.6990, इसको ले जाओ इधर और इसको ले आओ इधर, तो बताना टी 80% क्या आया, 80 × 0.6990 डिवाइड बाय 0.26, बच्चों सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें सोल्व करने हैं बच्चों ये न्यूमेरिकल, जब भी इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आएगा, और ये न्यूमेरिकल अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, वो कहेगा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% कंप्लीट होती है इतने टाइम में, बताओ 80% कितने टाइम में पूरी होगी, या 20% इतने टाइम में, बताओ 40% कितने में, सारे इसी तरीके से सोल्व होंगे बच्चों। लगभग 20 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं प्रदीप की बुक में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, सारे सोल्व करने, सोल्व करके मेरे को पीडीएफ भेजोगे, बहुत सारे बच्चों की लास्ट पीडीएफ भी नहीं आई है, बच्चों सीरियस होके काम करो, ये वाली पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे जरूर भेजनी है, लेक्चर देखने के नेक्स्ट डे जरूर भेजनी है। ओके बच्चों थैंक यू।